मेरे सभी दीनी भाई बहनों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम एक हदीस पे बात करेंगे, वो हदीस है इब्ने माजा की 3324। बहुत अच्छी हदीस है जो मेरे भाई या बहनें दुबलेपन का शिकार हैं, वो इलाज करते हैं और इलाज नहीं हो पाते, ये नबवी नुस्खा है, इसको करें और इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह ताला शफा व तंदुरुस्त अता करेंगे सभी भाइयों को। इनका खुलासा यह है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरी वालदा ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुखसत करने का इरादा किया तो मेरा दुबलापन का इलाज करने लगी, क्योंकि उस वक्त हमारी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत दुबली पतली थी और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अम्मी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुखसती करने का इरादा कर रही थी, मगर कोई इलाज कारगर नहीं हुआ उनके दुबलापन का। फिर मैंने ये तर खजूरों के साथ ककड़ी खाना शुरू किया तो मुआतदल जिस्म वाली हो गई, यानी दुबलापन दूर हो गया। इतना नहीं कि आप बिल्कुल मोटे हो जाएंगे, आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। खजूर के साथ ककड़ी खाना बहुत अच्छा है, आप सभी दीनी भाई बहनों इसको इस्तेमाल करें और इस नबवी नुस्खे से फ़ायदा उठाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह का एहसान है लाख लाख। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।